गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा, मोहर्रम गणेश पूजा सहित सभी त्योहारों को मनाएं अपने घरों में, बचे कोरोना महामारी से जिला प्रशासन है आपके साथ। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा अमित मोहन ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार के लिए स्थापित डायग्नोस्टिक लैब के प्रगति की समीक्षा, कोरोना संक्रमितों की अधिक से अधिक जांच करने के दिए निर्देश। एसएसपी जोगिंदर कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ आगामी त्योहार मुहर्रम और गणेश चतुर्थी को दृष्टिगत रखते हुए शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च, दिलाया सुरक्षा का एहसास, कहा कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत ही मनाएं त्योहार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की राष्ट्रीय रैंकिंग हुई घोषित, गोरखपुर को 82 रैंक हुई हासिल, महापौर सीताराम जायसवाल ने शहर की जनता और नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को दी बधाई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन चला रहा है जन जागरूकता अभियान, सिर्फ सावधानी ही है बचाव। बांसगांव थाना क्षेत्र के कौड़ीराम चौकी अंतर्गत ईट भट्टे पर अवैध कच्ची शराब लहन सहित 11 लोगों को किया गया गिरफ्तार, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने दी जानकारी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई L1 L2 अस्पतालों में संसाधन बढ़ाने संबंधित बैठक, प्रवासी मजदूरों के टीबी जांच के दिए निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रवेश परीक्षा समिति की आवश्यक बैठक, स्नातक एवं परास्नातक के प्रवेश परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। ऑपरेशन गरल अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना झंगा के नेतृत्व में कच्ची शराब कारोबारियों के अड्डे पर की गई छापेमारी, भारी मात्रा में लहन किया गया नष्ट, अवैध शराब को किया गया जमीन दोस्त, एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने दी जानकारी। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने आगामी त्योहार मुहर्रम और गणेश चतुर्थी के दृष्टिगत साउथ क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों को क्या निर्देशित, कहा मुहर्रम और गणेश चतुर्थी पर नहीं स्थापित की जाएंगी ताजिया और मूर्तियां। गोरखपुर में शुक्रवार को 274 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज, 5 की हुई मौत, जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 6,726, अब तक 100 कोरोना पॉजिटिव मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 2,695 हुए एक्टिव कोरोना मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में यूरिया और खाद की कमी और बढ़ती कीमतों की कालाबाजारी को लेकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा सिटी मजिस्ट्रेट को, बढ़ी कीमतों को कम करने की मांग। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, गोला तहसील के कुछ गांवों को छोड़कर जिले में बाढ़ की स्थिति पूरी तरह सामान, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब तक वितरित किया जा चुका है 18,000 फूड पैकेट, नहीं है कोई दिक्कत। और महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए रखा हरितालिका तीज का व्रत, पतियों की लंबी उम्र की कामना।